हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्टडी मटेरियल। आज मैं ओ लेवल में नया टॉपिक लाई हूँ, इंटरनेट एप्लीकेशन। लास्ट टॉपिक मेरा ये था गाइडेंस टू नेटिक्यूटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉमर्स ऑन द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स की बात यहाँ पर की गई है। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, उसी को कहते हैं हम ई कॉमर्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि इंटरनेट कॉमर्स मीन्स द यूज़ ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विस एंड सपोर्ट आफ्टर द सेल। तो ई ऑनलाइन शॉपिंग करना ही हमारा क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी, कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम लोग बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे हम पहले जब इंटरनेट नहीं था तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, कि बैंक जाके हम लोगों को पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे या विदड्रॉ करने पड़ते थे। तो जब से इंटरनेट आया है तब से हम लोग ई बैंकिंग करने लगे। इससे क्या है, आपका टाइम भी बहुत सेव रहता है और आपकी मनी भी वेस्ट नहीं होती है, मनी भी बचती है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि इन सम केसेस यूजिंग द इंटरनेट कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है शॉपिंग ऑन द इंटरनेट अलाउ फॉर इंस्टेंट प्राइस एंड कंपैरिजन विदाउट लिविंग द होम। हम लोग घर पे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इससे क्या है, मार्केट हमें नहीं जाना पड़ता और उसी प्राइस पे हमें बहुत अच्छा चीज़ मिल जाती है ऑनलाइन शॉपिंग से ही। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप हैव चेंज बेस्ड ऑन इंटरनेट, ईमेल, चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। तो मैसेंजर्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इससे क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से मैसेज कर सकते हैं किसी को घर बैठे ही, अगर सामने वाला बहुत दूर रहता है तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चैटिंग कर सकते हैं उसके साथ। तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है हमारी सोसाइटी पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नेंस ऑन द इंटरनेट। तो गवर्नमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो गवर्नमेंट की जो भी नई स्कीम्स आती हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं, वो हमें इंटरनेट के थ्रू हम भर सकते हैं घर बैठे ही, मुझे जाना नहीं पड़ता आप लोगों को। और गवर्नमेंट्स की जो भी योजनाएँ आती हैं, रिसेंटली में बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, तो वो आपको इंटरनेट के थ्रू वो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्म हैं जो इंटरनेट के थ्रू आप घर पे बैठ के मोबाइल से ही भर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइम ऑन थ्रू द इंटरनेट। आज मेरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, वो ओ लेवल में जो सेकेंड पेपर है हमारा वेब डिज़ाइनिंग का, उसमें शॉर्ट नोट के थ्रू पूछे जाते हैं ये सारे टॉपिक, जैसे कॉमर्स ऑन इंटरनेट, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी, गवर्नेंस ऑन द इंटरनेट, एंड लास्ट है हमारा क्राइम ऑन थ्रू द इंटरनेट। तो ये टॉपिक शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्राइम ऑन थ्रू द इंटरनेट मतलब क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, जैसे साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको वार्निंग देते हैं इंटरनेट के थ्रू, आपकी कोई भी वेबसाइट क्या किया, आप वेब पेज बना के आपके फ़ोन पे लोड कर दिया और आप लोगों ने उसको एक्सेस कर लिया, तो आपके जो पर्सनल डेटा होते हैं वो हैक हो जाते हैं। देन है फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग ज़बरदस्ती वसूली करते हैं इंटरनेट से, जैसे आपने कोई भी साइट को ओपन कर लिया, एक्सेस कर लिया है, उसमें ये लोग जैसे आपका पासवर्ड, आपका डेटा हैक कर लेते हैं, देन वो उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं कि आप इतना पैसा दोगे तो हम आपकी वेबसाइट को या आपके पेज उसको, आपके डेटा को, आप कुछ हम उसको सही कर देंगे इस टाइप से। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट बॉम्ब थ्रेड। तो इंटरनेट के बॉम्ब थ्रेड का मतलब है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते हैं ये लोग, जिससे बॉम्ब्स आपका इंटरनेट के थ्रू आपके फ़ोन में या आपके कुछ भी बॉम्ब्स क्रिएट कर देते हैं ये लोग। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी डेटा थेफ्ट। तो जो भी आपका डेटा सेव होता है उसको चोरी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पासवर्ड ट्रैफिकिंग। तो पासवर्ड हैक कर लेते हैं ये लोग। नेक्स्ट है हमारा
इंटरप्राइज ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट, तो आप लोग जो भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हो उसका ये लोग चोरी कर लेते हैं, थेफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनली डेटा हैकिंग, जो भी पर्सनल डेटा होता है जैसे अकाउंट बेस्ड डेटा है हमारा, पासवर्ड है, वो भी हैक कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्राइम बोलते हैं। देन है हमारा कॉपीराइट वॉलेशन, सच है सॉफ्टवेयर पायरेसी, कोई भी सॉफ्टवेयर इन लोग चोरी कर लेते हैं, ठीक है, उसका कॉपीराइट निकाल लेंगे। जो जहाँ आप लोग क्या कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करते हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उससे कॉपीराइट कर लेंगे या उसको चोरी कर लेंगे कैसे भी, तो ये क्राइम के थ्रू ही किया जा क्राइम ही कहलाते हैं। लास्ट है काउंटरफीट ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क को भी ये लोग, जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं या उस समय कुछ भी हम लोग कोई भी पेज एक्सेस कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो पेज एक्सेस करने के बाद हमारा जो पर्सनल डेटा होता है वो हैक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, क्राइम में ही आती है ऑन द इंटरनेट। तो आज के लिए इतना ही था, और अभी अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।